रानी जसोदा रानी जसोदा मुदित भई है। मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो आए और डॉक्टर साहब के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, बनारस के लोकप्रिय सांसद, एसी कमेटी के चेयरमैन और भारत में भ्रष्टाचार का मुक्त करने के लिए संघर्ष करने वाले श्रीमान डॉक्टर जोशी जी, हम सब उनके जन्मदिन पर भगवान साहब ने लगातार भारत में करप्शन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। एक बार हमने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब हमें क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बनारस में भी संघर्ष करो। थाने पर FIR कराया और 700 अरब रुपए जो बनारस में आई थी उसको ब्यूरो के और ठेकेदारों ने संघर्ष करते हुए उनके खिलाफ FIR संदीप मनोहर जोशी ने दे रहा है। और एक उपलक्ष्य में मैं आया हूँ, हमारा बड़े चिंतक है, ऐसा हमारे हम उन्हीं के लिए बधाई दे रहा हूँ और इसलिए स्वस्थ रहे, अमर रहे, हम लोग यही चाहता है। करप्शन से मुक्त होगा आदरणीय जोशी। है आज हमारे परम नेता, हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, हमारे भगवान करे आप सताई हो, आपने जिस तरह से भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष किया है, जिस तरह से आज के दिन जिस तरह से हमारे कार्यकर्तागण उत्साहित है, देख के बड़ा मन में जानते हैं, पूरे विश्वास है कि हम फिर भी बनारस में सबसे आगे रहेंगे और जोशी जी को बहुत भारी मतों से विजयी बनाया। जोशी जी बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड मतों से विजयी होंगे। इन्हीं भगवान को यही प्रार्थना करते हुए पुनः पुनः भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जोशी जी सताई हो और हम सबको आशीर्वाद देते रहे और भारत में एक जी। आपका नाम और पता है? महेश चंद्र श्रीवास्तव, क्षेत्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी काशीपुर। लोकप्रिय सांसद माननीय मुरली मनोहर जोशी जी का दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ लगभग 10,000 कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और वो माननीय मुरली मनोहर जोशी जी का जन्मदिन मना रहे हैं और सत्ताई होने की कामना कर रहे हैं। चुनाव में किस तरह यहाँ जोशी जी लगभग 2,00,000 मतों से विजयी होंगे, ऐसी कल्पना इधर आपने देखा कि मोदी जी की रैली में जो उत्साह बनारस में दिखा उसका परिणाम है और माननीय जोशी जी की लोकप्रियता के कारण माननीय जोशी जी लगभग 2,00,000 मतों से विजयी होंगे।